नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के लोक संगीत लोक नृत्य पर आधारित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का रजवाड़ी गीत केसरिया बालम किस राग में गाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मांड राग में गाया जाता है। नेक्स्ट, बिच्छूड़ो क्या है? पैर में पहने जाने वाला आभूषण है या हड़ौती क्षेत्र का लोकगीत है, गज की सहायता से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है या शेखावटी क्षेत्र का लोकगीत है? ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़ौती क्षेत्र का एक लोकगीत है। नेक्स्ट, इंडोणी संकरिया पणिहारी बागड़िया किस जाति के लोग नृत्य हैं? ये सारे के सारे कालबेलिया जाति के लोग नृत्य हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कालबेलिया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजस्थान का लोकगीत है? ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से आपको बताना है कि राजस्थान का लोकगीत कौन से हैं, कौन सा है या कौन से हैं। तो ये सारे के सारे मौर्या जीरा चिरनी सारे के सारे राजस्थानी लोकगीत हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, करौली क्षेत्र की कुल देवी केला देवी की आराधना में गाया जाता है। दोस्तों इससे दो क्वेश्चन बन रहे हैं, करौली क्षेत्र की कुल देवी पूछ ले तो केला देवी हो जाएगा, और केला देवी की आराधना में जो लोग गीत गाया जाता है वो लांगूरिया हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किसानों का प्रेरक गीत जो खेती आरंभ करते समय गाया जाता है, किसानों का जो प्रेरक गीत है वो खेती के आरंभ करते समय गाया जाता है, तो वो कौन सा प्रेरक गीत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेजा गीत है वो गाया जाता है। निम्न में से किसे गाली गीत भी कहते हैं? आपको बताना है गाली गीत किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीटने को गाली गीत भी कहते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में लच्छीराम जी द्वारा किस ख्याल का परिवर्तन किया जाता है? आपको बताना है कि राजस्थान में लच्छीराम जी के द्वारा किस ख्याल का परिवर्तन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुचामणी ख्याल का वह परिवर्तन किया जाता है लच्छीराम जी के द्वारा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिचकी राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, यानी हिचकी गीत है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलवर और मेवात क्षेत्र में हिचकी गीत है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, नए दामाद के ससुराल आने पर सतरियों के द्वारा स्थान भरी गीत गाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पावना गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट, कोयलड़ी मिजबियो उल्लू सूटो आदि किस अवसर पर गाए जाते हैं या किस अवसर के गीत हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्या की विदाई व याद में ये गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नृत्य सैरिया जनजाति का है? इनमें से बताना है कि सैरिया जनजाति का नृत्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिकारी नृत्य वो सैरिया जनजाति का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रात्रि जागरण के समाप्त होने पर ब्रह्म मुहूर्त में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? जब रात में जागरण होता है और जागरण की समाप्ति होने का टाइम हो जाता है, तो उस समय ब्रह्म मुहूर्त में जो गीत गाया जाता है उन्हें प्रभातिया कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लड़के के विवाह पर निकासी के अवसर पर गाया जाने वाला गीत, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घोड़ी गीत गाया जाता है। नेक्स्ट, उत्तरी मेवाड़ के बिल्लों के किस प्रसिद्ध लोकगीत को स्त्री और पुरुष एक साथ मिलकर गाते हैं? उत्तरी मेवाड़ में बिल्लों के द्वारा जो प्रसिद्ध लोकगीत है वो स्त्री और पुरुष एक साथ मिलकर गाते हैं, उसे हमशीडो कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? इनमें से बताना है कौन सा युग्म है जका कौन सा युग्म वो असुमेलित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपचक्रीय नृत्य वो मीणा जाति का नहीं है। तो बताना ऑप्शन इसका राइट आंसर मतलब दीवचक्री नृत्य है वो किस जनजाति का है, आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। नेक्स्ट, बिलों पुरुषों द्वारा किए जाने वाले गैर नृत्य में प्रयुक्त छड़ को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खांडा कहा जाता है। नेक्स्ट, गरासिया जनजाति के नृत्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? बताना है गरासिया जनजाति के संदर्भ में कौन सा विकल्प है वो गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौर्य नृत्य आखेट से पहले ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, किशनगढ़ की श्रीमती फलकोबाई ने किस नृत्य को लोकप्रिय बनाने में अपना अद्वितीय योगदान दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरों का चरी नृत्य वो फलकोबाई ने प्रसिद्धि दिलाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट, मोर नृत्य किस जाति की क्षत्रियों के द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नट
हर का हिंडोला क्या है? हर का हिंडोला क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ध की मृत्यु पर गाया जाने वाला गीत। यानी जब वर्ध व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस समय जो गीत गाए जाते हैं उन्हें हर का हिंडोला कहा जाता है। नेक्स्ट, भेंट के दंगल कहाँ आयोजित होते हैं? भेंट के दंगल कहाँ आयोजित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक सरस लोक राजस्थानी गीत जिसमें एक ऐसी बालिका की व्याख्या है जिसका संबंध तो तय हो चुका है लेकिन विवाह में विलंब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौर्य। रायण नृत्य किस जनजाति का है? बताना है रायण नृत्य वो किस जनजाति का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गरासिया जनजाति का है। नेक्स्ट, जैसलमेर में किया जाने वाला दिवाली नृत्य क्या है? जैसलमेर में किया जाने वाला दिवाली नृत्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंडोली नृत्य। नेक्स्ट, मावलिया व होली नृत्य किस जाति से संबंधित है? मावलिया और होली नृत्य किस जाति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कठोरी जाति से संबंधित है। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन सी थी जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्ला जिलाई बाई। नेक्स्ट, लोक संगीत लोक नृत्य एवं लोक नाट्य की कौन सी विद्या वह पूर्वी राजस्थान से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौटंकी। शरीर लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? शरीर लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुज्जर जाति से संबंधित है। नेक्स्ट, राजस्थान में तुरा कलंगी का प्रचलन प्रारंभ हुआ था? राजस्थान में तुरा कलंगी का प्रचलन कहाँ से आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्तौड़गढ़ से। नेक्स्ट, कूद नृत्य किस जनजाति का है? कूद नृत्य वो किस जनजाति का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गरासिया जनजाति का है। नेक्स्ट, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? आपको बताना कि राजस्थान में शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से, कौन से शास्त्रीय नृत्य उसका संबंध वो राजस्थान से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथक। नेक्स्ट, जामतिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता और खटकड़िया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथक। नेक्स्ट, हड़ौती व ढूंढ़ंड क्षेत्र में मेलों के अवसर पर अलगोजे ढोलक व मंजीरे के साथ गाए जाने वाला लोकगीत है? ऑप्शन ए, पंछीड़ा। नेक्स्ट, गलतियों का गौर नृत्य कब आयोजित होता है? गलतियों का गौर नृत्य कब आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गणगौर के अवसर पर। नेक्स्ट, जवारा नृत्य किस जाति से संबंधित है? जवारा नृत्य किस जनजाति से या जाति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गरासिया जनजाति से। नेक्स्ट, कौन सा नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में केवल पुरुषों द्वारा नगाड़ों की ताल पर किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बम नृत्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बम नृत्य स्वाई माधोपुर में, ये गलत हो जाएगा। आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है बम नृत्य कहाँ आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डांडिया और गैर नृत्य मुख्यतः कहाँ कहाँ किया जाता है या कहाँ आयोजित होते हैं? डांडिया और गैर नृत्य मुख्यतः कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मारवाड़ में। मारवाड़ क्षेत्र में डांडिया और गैर नृत्य है वो मुख्यतः आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नृत्य होली के अवसर पर नहीं किया जाता? इसमें से बताना है कौन सा नृत्य वो होली के अवसर पर नहीं किया जाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेखावटी क्षेत्र का कच्ची घोड़ी नृत्य वो होली के अवसर पर नहीं किया जाता। नेक्स्ट, बीकानेर का अग्नि नृत्य किस संप्रदाय का है? बीकानेर का जो अग्नि नृत्य है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जसमती संप्रदाय से संबंधित है बीकानेर का जो अग्नि नृत्य है। नेक्स्ट, वीर तेजाजी व गोगाजी भक्तों के नृत्य किस प्रकार के नृत्य श्रेणी में आते हैं? वीर तेजाजी और गोगाजी के भक्तों के जो नृत्य हैं वो किस श्रेणी में आते हैं?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा धार्मिक नृत्य। नेक्स्ट, चक्रीय व धाकड़ नृत्य किससे संबंधित है? चक्रीय और धाकड़ नृत्य बताना है आपको किससे संबंधित है, यानी किस जनजाति से या जाति से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंजर जाति से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न में से पुरुष प्रधान लोक नृत्य नहीं है, पुरुष प्रधान लोक नृत्य नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंदाद नृत्य। नेक्स्ट, गिंदड़ नृत्य में पुरुष कलाकार महिलाओं के वस्त्र पहनकर नृत्य में भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? गिंदड़ नृत्य में पुरुष कलाकार है वो महिलाओं के वस्त्र है वो पहनकर भाग लेते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें मेहरी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के प्रथम भवाई नर्तक कृष्ण व्यास छगानी का संबंध किस जिले से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोधपुर से। नेक्स्ट, कच्ची घोड़ी नृत्य से संबंधित वाद्य यंत्रों में असंगत है, कच्ची घोड़ी नृत्य से संबंधित वाद्य यंत्रों में असंगत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मांदल। नेक्स्ट, जालौर का महिला प्रधान नृत्य जिसमें पाँव की प्रत्येक गति के साथ ताली बजाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लंबूर नृत्य। नेक्स्ट, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।